अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में बात करेंगे मशहूर अदाकारा आयदा खान और मशहूर अदाकार दानिश तैमूर के बारे में। जी हाँ, हर दिल अजीज़ आयदा खान, जिनके फैन फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह उनकी बेहतरीन अदाकारी है। उनके शोहर यानी कि दानिश तैमूर, उनके भी फैन फॉलोअर्स ज़्यादा होने की यही वजह है कि वो हर रोल में बहुत ही फिट नज़र आते हैं। आपको ये भी बताते चले कि आयदा और दानिश उन वालदैन में से हैं जो कि शोबिज़ इंडस्ट्री में होते हुए भी अपने बच्चों को हर मौके पर अपने साथ रखते हैं। कहीं भी वेकेशन पर जाना हो, कोई भी फंक्शन हो, वो अपने बच्चों को हमेशा अपने साथ रखते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने एक ऐसी हरकत कर दी जिससे उनके फैंस ने उन पर काफ़ी तनकीद की और कहा कि आयदा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वीडियो में देखा जा सकता है कि आयदा और दानिश वेकेशन मनाने तुर्की गए हुए हैं, उनके बच्चे भी उनके साथ हैं, लेकिन बालकनी में खड़े और बच्चों को खिड़की में बंद कर दिया है, जिसकी वजह से देखा जा सकता है कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा रो रहे हैं। लेकिन आयदा हंस रही हैं और यही कह रही हैं कि फ़ोटोशूट करवाया जाए। जी हाँ, वो अपने कैमरामैन को कह रही हैं कि तस्वीरें बनाएं। और ये वीडियो वायरल होते ही उनके फैंस ने उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया कि इस तरह से बच्चों को रुलाना और बच्चों के सामने रोमांस करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आयदा खान, जो कि अपने बच्चों को हमेशा साथ रखने की वजह से अब तक अपने फैंस में काफ़ी सराही जाती हैं, अपने बच्चों की सालगिरह भी भरपूर तरीके से मनाती हैं, इस पर उन्होंने एक ऐसी हरकत कर दी जिस पर उनके फैंस ने उनको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया। इससे कबल भी हमने देखा कि जब भी आयदा और दानिश वेकेशन पर कहीं जाते हैं, अपने बच्चों को साथ रखते हैं, बच्चों के साथ खूबसूरत तस्वीर और वीडियोज अपने फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं। लेकिन इस बार वेकेशन पर उन्होंने अपने बच्चों की एक ऐसी वीडियो खुद ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर कर दी जिस पर उनके फैंस ने उनको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया। आपको आयदा और दानिश की हरकत कैसी लगी, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।